मेरा वीडियो प्लीज आप एक बार लास्ट तक देखिए। चलिए चलते हैं, हम सिखाते हैं व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। ए फायर एक्सटिंग्विशर इज एन एक्टिव एक्टिव फायर प्रोटेक्शन फायर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन डिवाइस डिवाइस यूज टू एक्सटिंगुइश और यूज टू एक्सटिंगुइश और कंट्रोल स्मॉल small fires often in emergency situation सिट्यूशन सिट्यूशन। अभी चलते हैं, आग क्या है उसके बारे में बताएंगे। ए फायर एक्सटिंग्विशर इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश और कंट्रोल स्मॉल फायर ऑफ्टन इन इमरजेंसी सिट्यूशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का एक ऐसा फायर इक्विपमेंट है जिन की इमरजेंसी सिचुएशन में आग को बुझाने का या कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। और नेक्स्ट है हु इन्वेंशन पोर्टेबल प्रेशराइज्ड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले किसने आविष्कार किया। अभी नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। तो चलते हैं, जॉर्ज जॉर्ज विलियम विलियम मैन बाय। तो सबसे पहले एक्सटिंग्विशर किसने आविष्कार किया था, पोर्टेबल प्रेशराइज्ड फायर एक्सटिंग्विशर जॉर्ज विलियम मैन बाय ने आविष्कार किया था। कब किया था, 1816 में, 1816 में आविष्कार किया था। अभी हम नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट में जाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर अभी कितना टाइप के है उसके बारे में सीखेंगे। एक नंबर हो गया हमारे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप। फिर 2 नंबर हो गया है होम टाइप, होम टाइप। 3 नंबर हो गया है डीसीपी टाइप, ये एबीसी टाइप भी है इसके साथ एबीसी टाइप। और हमें 4th नंबर पे है CO2 टाइप, और 5th नंबर हो गया वेट केमिकल। केमिकल अभी क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप की है। सबसे पहले वाटर, उसके बाद फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, उसके बाद डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर या एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर, और CO2 चौथे नंबर पे CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, और 5वें नंबर हो गया वेट केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर। अभी ये एक्सटिंग्विशर हमारे जो मटेरियल के अनुसार, हमारे जो इक्विपमेंट के अनुसार, कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में हम आपको बिल्कुल आसान तरीका से एक शार्ट बना के दिखेंगे। और इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल फायर के रिलेटेड बेसिक बिल्कुल आसानी से जानकारी होगा। और मेरे वीडियो में प्लीज नया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे मेरा बेल आइकन घंटी को दबाइए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो ऐसा कंटेंट डालूंगा और आपके पास वो कंटेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अभी चलते हैं
ए। तो हम इस शॉर्ट को बना के रखा है आग को वर्गीकरण करने के, जैसे एक्सटिंग्विशर पांच टाइप है, आग को भी पांच टाइप से वर्गीकरण किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ या के। अभी हमारे जो काम आपको लिख के दिखाएंगे, इसके बाद समझाएंगे। क्लास ए में आएगा कॉम्बस्टेबल लीड, एग्जाम्पल हो गया वुड, पेपर, क्लॉथ, कॉटन, एक्सेट्रा। और इस एक्सक्लूजर क्या है, वाटर टाइप एक्सक्लूजर। ठीक है, अभी हमारे जो फायर एक्सक्लूजर है, तो जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, तो वो ए क्लास कैटेगरी में आता है। ए क्लास कैटेगरी में क्या होता है, साधारण कॉम्बस्टेबल सॉलिड, यानी कट्टा, कपड़ा, यानी कागज, पेपर, कोयला, ये सब क्या हो गया हमारे एक कॉम्बस्टेबल सॉलिड, यानी जो नॉर्मल चीज है वो है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएंगे। कहीं पे भी आपको कागज में आग लगेगा तो आपको ए क्लास में आएगा, वो साधारण आग में आएगा, और आपको वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएंगे क्लास बी टाइप, नेक्स्ट बी टाइप में आएगा इनफ्लेमेबल लिक्विड, इनफ्लेमेबल लिक्विड लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल के तौर में, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल एक्सेप्ट। इसमें कौन सा टाइप एक्सटिंगुइशर यूज करेंगे, ऑन टाइप एक्सटिंगुइशर। अभी चलते हैं जो बी क्लास कैटेगरी में कौन सा आएगा, इनफ्लेमेबल लिक्विड, यानी कोई भी हमारे डीजल हो, पेट्रोल हो, ये कौन से में आएगा, इनफ्लेमेबल लिक्विड है। अचानक कहीं पे भी डीजल में आग लगे या पेट्रोल में आग लगे, कोई भी केरोसिन में आग लगे, ये लिक्विड है, उसमें हम कौन सा कैटेगरी में आएगा, वो बी कैटेगरी में आएगा। और हमारे जो फायर एक्सटिंगुशर है वो फॉर्म टाइप एक्सटिंगुशर यूज करेंगे वहां पे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं सी टाइप में, सी टाइप में आता है इनफ्लेमेबल गैस, इथेन, मीथेन। ठीक है, एलपीजी, एलपीजी एक्सेट्रा। इसमें क्या आएगा, डीसीपी, डीसीपी और CO2 एक्सक्लूजन। ठीक है, अभी तीन नंबर क्या है, क्लास सी, क्लास सी में क्या आएगा, इनफ्लेमेबल गैसेस, मतलब जलनशील जो गैस होता है उसके अंदर आएगा, जैसे इथेन गैस हो गया, मीथेन हो गया, एलपीजी हो गया। कहीं पे भी आपको एलपीजी में जो आग लगेगा, तो उसको आप जो आग के वर्गीकरण है उसके आप जानना चाहिए, वो क्लास सी में आग लगा है, तो आप उसमें एक्सटिंग्विशर के तौर पे डीसीपी और CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। अभी हम आएंगे क्लास डी, ठीक है, इसमें आएगा फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मेटल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आयरन, कॉपर, ठीक है, कॉपर एक्सेप्टा। अभी दो कई दे के रखा था आपको। ठीक है, इसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर होगा, इसमें डीसीबी भी यूज कर सकते हो और CO2 भी यूज कर सकते हो।
यानी हमारे डी क्लास की जो कैटेगरी में आता है वो आता है इनफॉर्मेबल मेटल। मेटल का मतलब होता है जो हार्ड चीज से बना हुआ है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लोहे हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गए, ठीक है, पीना हो गया, ये सब क्या है इनफॉर्मेबल मेटल। और इलेक्ट्रिकल फायर, जो इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट में जो आग लगेगा वो भी क्लास डी में आता है। और कहीं कहीं में आपको किसी इंटरनेट में कहीं भी जाओगे वो इलेक्ट्रिकल फायर के एक अलग टाइप बताता है, लेकिन ये डी कैटेगरी में ही आता है। तो उसमें हम कौन सा एक्सटिंगुइशर यूज करेंगे, डीसीपी और CO2। और लास्ट में आएगा क्लास क्लास एफ या के, ठीक है, क्लास एफ टाइप, क्लास एफ या के टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे, ठीक है, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, और क्या आएगा, फैट्स यानी चर्बी जाती वस्तु, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले लो, कुकिंग ऑयल, जैसे एग्जांपल पे ले लो, कोई भी आप कुकिंग ऑयल, जैसे आपको मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन घी आदि, आपको जैसे किचन में कोई भी ऑयल यूज करते हो तो उसमें जो आग लगेगा तो उसको हम क्लास एफ या के कैटेगरी में भाग किया गया है। और उसको जो हम एक्सटिंगुइशर से, जिस एक्सटिंगुइशर से उस आग को रिमूव करेंगे, उसको बोलते हैं वेट केमिकल। केमिकल